वेलकम टू टेकबल्क। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिससे कोई भी आपकी पेन ड्राइव नहीं चुरा पाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते रहिए टेकबल्क। जो पेन ड्राइव है उनकी कोई भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती जिससे हम पता लगा सकें कि यह हमारी ही पेन ड्राइव है, और कई बार हमारी पेन ड्राइव सामने वाले से एक्सचेंज हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम पेन ड्राइव पर अपनी फोटो लगाना सीखेंगे। देखिए, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। उसके बाद हमें दिस पीसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से मेरी पेन ड्राइव शो हो रही है। देखिए, इस पर मेरी फोटो भी आ रही है, तो मैं पहले इसे कर देता हूँ फॉर्मेट। देखिए यहाँ से, अब देखिए मेरी फोटो यहाँ से गायब हो चुकी है। तो अब देखिए हम पेन ड्राइव पर अपनी फोटो लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको डेस्कटॉप पर अपनी एक फोटो लगानी होगी। फोटो लगाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विद पेंट कर लेना है। ओपन विद पेंट करने के बाद आपको फाइल पर जाना है और सेव एज पर जाना है। उसके बाद BMP पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी फाइल का नाम दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद सेव कर देना है। तो देखिए डेस्कटॉप पर मेरी ये फोटो आ गई है। उसके बाद आपको नोटपैड खोलना है। और उसके बाद आपको ब्रैकेट ऑटो रन ब्रैकेट एंड आइकन इजिकल टू अपने फोटो का नेम nn.bmp उसे सेव एज करना है। और यहां से आपको ऑल फाइल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां फाइल नेम लिखना है ऑटो रन .inf और सेव। देखिए आपकी ये फाइल डेस्कटॉप पर आ चुकी है। उसके बाद आपको इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और उसके बाद अपनी पेन ड्राइव पर जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक बार अपनी पेन ड्राइव निकालनी है। तो देखिए आपकी फोटो आ जाएगी। तो आप देखेंगे तो आपकी फोटो पेन ड्राइव पर आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेन ड्राइव की फाइल्स कोई ना देख पाए, तो आप यहां से सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज पर आपको जाना है। उसके बाद हिडन और अप्लाई और ओके कर देना है। तो देखिए अब आपकी फ़ोटो भी आएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ दो फाइल्स हैं।